बनने जा रहे हैं, क्या कैसी तैयारी है? तैयारी तो बहुत जोरों शोरों से है, आपको पता है ताई का काम जो है बहुत पूरे जिले में प्रसिद्ध है। तो आज जो हमारी तैयारी है बहुत जोर से है और ऐसी तैयारी पूरे शहर में और जिले में हो रही है। तो मैं ताई के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, हमारे सब कार्य करते हैं। और आपको पता है कि आज शाहरुख खान भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो एक उनकी एक मोहब्बत की खातिर आए वो, तो इसके लिए मैं ताई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में ताई बहुत ज़्यादा, आपको पता है मतलब आपका रिपोर्ट ज़्यादा ही होगा, आपको पता है, तो बहुत ज़्यादा वोटों से जीत के आएगी। हमारी सबकी कोशिश है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं और लोग उमड़ के खुद से आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही नहीं कि किसी को बुलाना पड़ रहा है, लेकिन सब लोग मिल के खुद से आ रहे हैं। तो इससे अपनी जीत तो दिख रही है, इंशाल्लाह ताई जीत के आएंगे और हम सब लोग उनके साथ में हैं। आज बहुत बड़ी रैली हमारे यहाँ से मोराली चौक से निकलने वाली है, इंशाल्लाह इसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इससे साबित होता है कि ताई की जीत। बीजेपी उम्मीदवार जो राम साथ पूजे हैं वो ताई पे हमेशा प्रणति शिंदे पे जहरी टीका करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप राम साथ पूजे? वो आपको पता है राम साथ पूजे वो भीड़ के हैं, यहाँ के नहीं है प्रॉपर, और बीजेपी का काम है टीका करना या तो फिर उनके खिलाफ बोलना, ये उनका काम, उनके पास विकास का काम नहीं है, या तो फिर कुछ उनके पास मुद्दा ही नहीं है कि ताई के एलिगेशन लगा सके, तो कुछ भी बोल के ताई पर एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा हम केयर नहीं करते। राम साथ पूजे बहुत, मतलब मैं बोलती हूँ कुछ भी नहीं है लोगों में, उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, या तो फिर लोगों में कुछ उनकी पब्लिसिटी नहीं है, या काम का कुछ उनके इधर मतलब लोकांना म्हणतो ना प्रगंध सुद्धा त्यांचा नाही आहे, आणि आता ते इलेक्शन मध्ये आलेत। तर मी राम साखरेंना सांगितलं, साहेब तुम्ही तुमचं भीडचं जे पार्सल आहे तुम्ही तुमच्या तिकडे जावा, आणि सगळे सोलापूरकर आता अवेअर झालेत, सगळे सोलापूरकरांना माहीत आहे की आता ताईशिवाय आणि काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही आहे, आणि काँग्रेस हा असा पक्ष आहे की सगळ्यांना घेऊन जाणारा पक्ष आहे। आता तुमचं जे हिंदू कार्ड तुम्ही वापरताय ते बिलकुल चालणार नाही आहे, ऑलरेडी सगळं सेटअप झालेलं आहे, त्यासाठी तुम्ही आता तयारी करा। गेल्या दोन भाजपचे आमदार होते 10 वर्ष, त्या 10 वर्षांमध्ये तुमचा काय अनुभव आला? त्या 10 वर्षांमध्ये आमचा अनुभव असा आला की आम्हाला कोण स्वामी काय म्हणजे कोण आहेत ते सुद्धा आमच्या कार्यकर्त्यांचे एकाणी तर पोस्टर लिहिलं होतं की स्वामीला दाखवा आणि पैसे मिळवा, तर आणि याच्या पुरेशा तर खासदार आपल्याला माहीतच आहे कसे होते, तर त्यांचं काही काम नव्हतं, म्हणजे आपण पब्लिकला विचारलं तर त्यांचं नाव सुद्धा माहीत नव्हतं, तर अशा ह्या भाजपमुळे खूप त्रास झालेला आहे। त्यांनी सगळे लोक म्हणजे गोरगरीब असतील सगळ्या स्तरातील लोकांना माहीत आहे की आता भाजपचं जे काही सरकार आहे ते चालणार नाही आहे, फक्त ताई आणि काँग्रेस पार्टी बस। काँग्रेस हा पक्ष मुस्लिम लीग आहे असं म्हणून टीका केली जाते, राम साथ पूजे हा चुकीचा आहे, गेल्या 70 वर्षापासून पाहत असेल सगळे जाती जमातीचे लोक एकत्र येऊन काम करतात काँग्रेसचा, काँग्रेस पक्ष एका जातीचा नाही सर्व जातीचा पक्ष आहे, आणि राम साथ पूजे हा चुकीचं बोलतात ते, आता तुला कळेल म्हणून काय होईल ते। बीते दिनों से शाहरुख खान की जो बात कर रही है सोलापुर शहर में कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणति शिंदे के अर्ज भरने के लिए वो साथ में आने वाले हैं, कौन से असली में शाहरुख खान है वो जरा जनता को बता। अभी आपके सामने दिखाई देगा 5 मिनट के अंदर, वो हमारे दोस्त है गुजरात से आए हैं। गुजरात के हैं? गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं, मोदी के स्टेट से वो यहाँ पर आए। क्या कहना चाहेंगे सोलापुर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का प्रत्याशी चुने या फिर दोबारा से बीजेपी तीसरी बार एंट्री कर? लोगों का मन बन चुका है, बस लोग इंतजार कर रहे हैं मतदान के वक्त का, उस दिन समझ में आएगा क्या होगा सोलापुर में। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चैनल ला सब्सक्राइब करा।